उत्तर दिनाजपुर जिले के स्कूल पाड़ा इलाके में 18 वर्षीय राजेश दास के मोबाइल से मोमो गेम को डिलीट करने के बाद भी रविवार को फिर से वही मोमो गेम वापस आ जाने को लेकर आतंकित राजेश ने कालियागंज थाने में मदद के लिए गुहार लगाई। सेफ ड्राइव और सेफ लाइफ के प्रचार करने के लिए दक्षिण दिनाजपुर पुलिस की तरफ से एक अनोखे तरीके से रक्षाबंधन उत्सव मनाया गया। बालूरघाट ट्रैफिक पुलिस के प्रयास से इलाके के सभी मोटर बाइक चालकों को राखी बांधी गई। बालूरघाट शहर के 25 नंबर वार्ड के शांतिमय घोष कॉलोनी इलाके में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से किन्नरों को राखी बांधकर रक्षाबंधन उत्सव मनाया गया। उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर थाना अंतर्गत रामगंज दोलमचा नदी में नहाने गई 3 किशोरी लापता हो गई। स्थानीय लोगों द्वारा काफी छानबीन करने के बाद 2 किशोरी को बरामद किया गया, लेकिन अभी भी आजमीरा खातून नामक 1 किशोरी लापता है। आसनसोल के निवासी नामचीन मोम के मूर्ति बनाने वाले सुशांत राय ने केरला में फंसे पीड़ितों की मदद करने के लिए केरल के मुख्यमंत्री के रिलीफ फंड में 50,000 रुपए दान किए। मुर्शिदाबाद जिले के बाबूपाड़ा इलाके में 50 वर्षीय सुशांत मंगल नामक एक व्यक्ति चलती ट्रक के नीचे आ गया। दुमकल थाने के पुलिस ने घातक ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया। उत्तर दिनाजपुर जिले के कालियागंज शहर के विवेकानंद मोड़ पर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से राह चलते लोगों को राखी बांध कर मिठाई खिलाकर रक्षाबंधन उत्सव बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। बीरभूम जिले में भोराई नामक एक संस्था की तरफ से इलाके में शराब बेचने वाली महिलाओं को राखी बांधकर व मिठाई खिलाकर साथ ही हाथ जोड़कर उन महिलाओं से शराब ना बेचने के लिए अनुरोध किया गया। दक्षिण दिनाजपुर जिले के शिवरामपुर बॉर्डर इलाके में महिलाओं ने देश की सुरक्षा के लिए तैनात जवानों को राखी बांधकर जवानों की लंबी आयु के लिए कामना की। मालदा जिले के मानिकचक थाना अंतर्गत इनायतपुर ग्राम पंचायत गठन का दिन था, जहां पंचायत प्रधान के रूप में तृणमूल कांग्रेस के अबू कलाम आजाद और उप प्रधान के रूप में महबूबा परवीन ने जीत हासिल की।